हेलो एवरीवन दिस इज मोनिका एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मोनिका कैडमी इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसके अलावा अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की समरी पढ़नी है क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं या फिर एमसीक्यूज पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर्स के लिंक इवन है आप वहाँ जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल इन ऑलसो हिट दी बेल आइकन तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर टू से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन So the extract number one is Tenth May dawn bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. टेंथ में का जो दिन था वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर था यहाँ पर आई यूज़ किया गया है नेल्सन मंडेला के लिए वो हमें सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो डिग्नेटरीज हैं यानी रिस्पेक्टेबल लोग जो हैं और जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन्होंने मुझे घेर लिया था जो कि इनोग्रेशन से पहले वहां पर अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे तो ये जो इनोग्रेशन होने वाला है साउथ अफ्रीकन सोइल पे साउथ अफ्रीका की धरती पर ये जो इनोग्रेशन होने वाला है इसमें वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं वो सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ी

Now next question number two. विच इनोग्रेशन सेरेमनी इज बींग टॉक्ट अबाउट हेयर यहाँ इस एक्सटेक्ट में कौन सी इनोग्रेशन सेरेमनी के बारे में बात की जा रही है ऑप्शन ए द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ न्यू ब्रिज इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में एक ब्रिज का इनोग्रेशन होना है ऑप्शन बी द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ अफ्रीकन ओलंपिक्स अफ्रीकन ओलंपिक्स का उद्घाटन होना है ऑप्शन सी द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड साउथ अफ्रीका में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन होना है ऑप्शन डी द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ द नेल्सन मंडेलास्ट प्रेज

What had he been pleasantly by dignitaries? Dignitaries कहते हैं गणमान्य व्यक्तियों को तो गणमान्य व्यक्तियों ने नेल्सन मंडेला को क्यों घेर रखा था ऑप्शन ए फॉर द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो सभा करने के लिए इकट्ठा हुए थे ऑप्शन बी फॉर मेकिंग द लार्जेस्ट ब्रिज इन दर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो था वो साउथ अफ्रीका में बनने वाला था इसलिए सभी लोगों ने नेल्सन मंडेला को घेर रखा था ऑप्शन सी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट होने के नाते ऑप्शन डी फॉर इनवाइटिंग ऑल दी इंटरनेशनल लीडर्स ऑन दी साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका की धरती पर सभी इंटरनेशनल लीडर्स को इन्वाइट करने के लिए उन्हें घेर रखा था करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर बींग दी फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट चुन लिया गया था इसलिए जितने भी डिग्नेटरीज थे उन्होंने मिस्टर नेल्सन मंडेला को घेरा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बसीज इज तो यहां पर आपको बसीज वर्ड का मीनिंग क्लियर करना है ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन ए टू अटैक फ्रॉम ऑल साइड चारों तरफ से अटैक कर देना ऑप्शन बी टू सराउंड अ प्लेस स्पेशली विद आर्मी किसी जगह को सेना के साथ चारों तरफ से घेर लेना ऑप्शन सी टू विजिट अ अ पर्सन इन लार्ज गैदरिंग एक बड़ी सभा में किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाना ऑप्शन डी टू कंग्रेचुलेट पर्सन फॉर हिज अकम्प्लिशमेंट किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई देना यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी टू सराउंड अ प्लेस स्पेशली विद आर्मी तो ये बसीज वर्ड का मीनिंग है कि किसी जगह को आर्मी के साथ चारों तरफ

उसका अपनी फैमिली के लिए दायित्व होता है पेरेंट्स के लिए वाइफ बच्चों के लिए इसके साथ ही साथ जो लोग हैं कम्युनिटी के कंट्री के उनके लिए भी उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में हर व्यक्ति जो है वो अपनी इंक्लाइनेशन जहाँ पर उसका झुकाव है और जो उसके एबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो उन ऑब्लीगेशन्स को पूरा करने में सक्षम होता है लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ पे आपके बर्थ और आपके कलर को लेके हर एक व्यक्ति जो कि इन सब ऑब्लीगेशन्स को पूरा करना चाहता है लेकिन यह उसके लिए वहां पर बिल्कुल भी संभव नहीं था क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक रंग का आदमी जिसने कि इंसान के तरीके से जीने की वहां पर कोशिश की उसे क्या किया गया पनिश किया गया और उसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर दी ऑब्लीगेशन दैट एवरी मैन हैज इन हिज लाइफ कौन से वो दो दायित्व हैं जो कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में पूरे करने होते हैं ऑप्शन ए नेचर एंड हिज फैमिली ऑप्शन बी फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑप्शन सी हिज फैमिली एंड हिज कंट्री ऑप्शन डी गॉड एंड हिज फैमिली सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हिज फैमिली एंड हिज कंट्री अभी एक्सट्रिक्ट में हमने पढ़ा है कि उसका उसकी फैमिली के लिए वाइफ उसके बच्चे कंट्री कम्युनिटी लोगों सबके लिए उसके ऑब्लीगेशन होते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी हिज फैमिली एंड हिज कंट्री क्वेश्चन नंबर टू इज वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर अ कलर्ड मैन टू डिस्चार्ज इज ऑब्लीगेशन इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में रहने वाले कलर्ड मैन यानी कि ब्लैक इंसान के लिए अपने ऑब्लिगेशन यानी दायित्वों को पूरा करना क्यों इम्पॉसिबल होता है ऑप्शन ए ही वुड बी पनिश्ड एंड आइसोलेटेड उसे पनिश किया जाएगा और उसे आइसोलेट यानी अलग थलग कर दिया जाएगा ऑप्शन बी ही वुड फेस मैनी ऑब्स्टेकल्स उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना होगा ऑप्शन सी ही वुड बी किल्ड उसे मार दिया जाएगा ऑप्शन डी हिस्स फैमिली मेंबर्स वुड बी किल्ड के जो फैमिली मेंबर्स में उन्हें मार दिया जाएगा सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ही वुड बी इन आइसोलेटेड तो साउथ अफ्रीका में अगर कोई कलर्ड मैन अपनी ड्यूटीज को पूरा करने की कोशिश करता था तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी और उसे वहां पर अलग थलग कर दिया जाता था क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट मीन बाई द फ्रेज अ मैन ऑफ माइ बर्थ तो ये जो फ्रेज दिया गया है अ मैन ऑफ माई बर्थ इसका क्या मीनिंग है ऑप्शन ए अ पर्सन हु इज बोर्न इन रॉयल फैमिली एक ऐसा जिसका जन्म रॉयल फैमिली में हुआ है ऑप्शन बी दी पर्सन वॉज बोर्डेड फैमिली एक ऐसा जन्म फैमिली में हुआ है ऑप्शन सी दैटन वॉज इन एन एजुकेटेड फैमिली एक ऐसा जन्म एक अनएजुकेटेड फैमिली में हुआ है ऑप्शन डी दैट दी पर्सन वॉज बॉर्न इन अर एंड हम्बल फैमिली एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म जो है वो एक गरीब परिवार में हुआ है जो जिसके लोग जो है वो काफी ज्यादा हम्बल है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट person was born in a poor and humble family. तो पे a man of my birth ये जो phrase है, इसका मतलब आता है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म जो है वो एक गरीब परिवार में हुआ है जहाँ के लोग काफी कि विनम्र है तो यहाँ पे बात हो रही है की कि वो एक परिवार ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जो कि काफी ज्यादा गरीब था और हम्बल फैमिली थी उनकी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ पनिश्ड तो यहाँ पर आपको पनिश्ड की एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है ऑप्शन ए पनिशमेंट ऑप्शन बी पनिश ऑप्शन सी पनिशिंग ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पनिशमेंट तो पनिश्ड की जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है पनिशमेंट चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट वी हुर आउट लॉज नोट सो लॉन्ग अगो हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिवलेज टू बी होस्ट टू दी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर टाउन सॉइल सो इस एक्सटेक्ट में नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि हम जिन्हें कुछ समय पहले तक आउट यानी कि गैर कानूनी कहा जा रहा था हम आज अपने टाउन की इस धरती पर दुनिया के इतने सारे राष्ट्रों की क्या कर रहे हैं होस्ट कर रहे हैं और ये हमें एक प्रिवलेज मिला है एक बहुत ही विशेषाधिकार मिला है और हम अपने देश के लोगों के साथ जितने भी ये लोग आए हैं इंटरनेशनल जितने भी गेस्ट आए है, उन सभी को हम थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि जो ये हमारा न्याय का जीत हुआ है इसके आज है, उसे पा लिया है। आगे मंडेला कहते है कि, कि जितने भी लोग गरीबी का जीवन जी रहे अभाव दुख दर्द में है या फिर उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है तो इन सभी बॉन्डेजेस से उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा First question is वट इज दी फ्रेज रेयर प्रिवलेज मीन हेयर तो ये जो फ्रेज है रेयर प्रिवलेज इसका यहाँ पर क्या मतलब है ऑप्शन ए दी अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का अवसर ऑप्शन बी द रेयर प्रिवलेज टू होस्ट दी नेशन ऑफ वर्ल्ड दुनिया के बहुत सारे देशों को होस्ट करने का उन्हें रेयर प्रिवलेज मतलब की एक दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है ऑप्शन सी द रेयर प्रिवलेज वेयर अ ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ये एक रेयर प्रिवलेज है क्योंकि यहां पर एक ब्लैक पर्सन जो है वो साउथ अफ्रीका का

क्वेश्चन नंबर टू इज वाई डज मंडेला थैंक गैदरिंग मंडेला सारी गैदरिंग को यानी जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं सभा में उन्हें थैंक यू क्यों कह रहे हैं ऑप्शन ए फॉर हेल्पिंग हिम बिकम द ऑफ साउथ अफ्रीका उन्हें साउथ अफ्रीका का प्रेजिडेंट बनने में मदद करने के लिए ऑप्शन बी फॉर ग्रेसिंग ओकेजन टू सेलिब्रेट इज कंट्रीज विक्ट्री ऑफ जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी उनकी कंट्री की जस्टिस पीस ह्यूमन डिग्निटी की जो विक्ट्री जीत हुई है और उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए जितने लोग वहां पे आए हैं तो मंडेला उन्हें थैंक यू कह रहे हैं ऑप्शन ऑप्शन सी फॉर वोटिंग फॉर हिम इन द इलेक्शन में जीतने में उनकी मदद करने के लिए वो लोगों को थैंक यू कह रहे हैं ऑप्शन डी फॉर हेल्पिंग हिम इन टेकिंग हिस कंट्री टू वर्ड पाथ ऑफ प्रोग्रेस अपनी कंट्री को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने में उनकी मदद करने के लिए वो लोगों को थैंक यू कह रहे हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी फॉर ग्रेसिंग ओकेजन टू सेलिब्रेट हिस्स कंट्रीज विक्ट्री ऑफ जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी तो जस्टिस पीस ह्यूमन डिग्निटी की जो विक्ट्री हुई है और उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए जितने लोग वहां इकट्ठा हुए हैं उन्हें मंडेला थैंक यू कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इस वट आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री अचीव तो यहाँ पे जो दिस कंट्री है वो साउथ अफ्रीका के लिए यूज किया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने क्या अचीव किया ऑप्शन ए देर पोलिटिकल अमैनुस्पेशन ऑप्शन बी विजडम गुड लक एंड रिचनेस ऑफ कल्चर ऑप्शन सी अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी ऑप्शन डी सक्सेस इन एजुकेशनल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फील्ड सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए देयर पॉलिटिकल अमेनिस्पेशन जिसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने पॉलिटिकल फ्रीडम को अचीव किया था क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज गिव अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अ स्पेशल राइट फ्रॉम दैसेज तो पैसेज में से आपको अ स्पेशल राइट से मिलता जुलता मीनिंग वाला एक वर्ड निकालना है सो so, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए डेप्रावेशन जिसका मतलब होता है लॉस ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करना ऑप्शन सी बॉन्डेजेस यानी कि कोई बंधन रखना ऑप्शन डी प्रिविलेज यानी कि कोई विशेषाधिकार होना तो बिल्कुल क्लियर है जो मैंने मीनिंग बता दिया कि करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन डी प्रिविलेज जिसका मतलब होता है अ स्पेशल राइट Extract number 4 ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री तो मैं पूरा एक्सट्रैक्ट रीड नहीं कर रही हूँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सट्रैक्ट में क्या क्या बातें कही जा रही हैं तो यहाँ पर इनोग्रेशन डे वाले दिन की बात हो रही है जो मंडेला है वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी ज्यादा ओवरवेलम फील कर रहे हैं साथ ही वो कहते हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी में जो एंग्लो बोर वॉर हुआ था उनके बर्थ से पहले की बात है तो उस वॉर के बाद क्या हुआ था जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो डार्क स्किन वाले लोग थे जो ब्लैक पीपल थे उनके खिलाफ क्या किया था तो उन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए थे ठीक है उन्हें अलग थलग कर दिया था उन्हीं के लैंड पर वाइट स्किन पीपल ने काफ़ी ज़्यादा हार्श रूल्स बना लिए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए थे ब्लैक पीपल पर तो उसके बाद मंडेला क्या कह रहे हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी का लास्ट डे के आते आते अब सब चीज़ें चेंज हो गई हैं सब कुछ बदल चुका है अब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया है जहां पर सभी लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हैं फ्रीडम मिल रही है और चाहे उनकी स्किन का कलर कुछ भी हो सबको राइट्स मिलेंगे सबके पास फ्रीडम होगी Question number one is, what made author overwhelmed? किस चीज ने को किया? पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सेंस ऑफ हिस्ट्री एक्सट्रेट की फर्स्ट लाइन में ही क्लियरली लिखा गया है कि ऑथर जो है वो अपनी हिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा ओवरवेलम फील कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज विस सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाई वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने कौन से सिस्टम को बनाया ऑप्शन ए इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑप्शन बी ब्रदरहुड एंड वननेस ऑप्शन सी अनेक्सिंग द अफ्रीकन टेरिटरीज ऑप्शन डी सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल इसका आंसर गेस करना आई थिंक काफी ज्यादा इजी होगा करेक्ट आंसर है डी सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी डार्क स्किन पीपल साउथ अफ्रीका में रहने वाले व्हाइट स्किन लोगों ने वहां रहने वाले डार्क स्किन लोगों के खिलाफ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था ये सिस्टम शुरू कर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड दी न्यू सिस्टम रिकोग्नाइज जो ये नया सिस्टम था इसको क्या मान्यता दी गई ऑप्शन ए द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन सभी लोगों को बराबर के राइट्स मिलेंगे फ्रीडम मिलेगी चाहे उनकी स्किन का कलर कोई भी हो ऑप्शन बी द डिफरेंट राइट्स ऑफ डिफरेंट जेंडर जो डिफरेंट जेंडर के लोग हैं यानी कि अलग अलग जेंडर के लोगों के राइट्स भी अलग अलग होंगे ऑप्शन सी द डिफरेंट राइट्स फॉर ब्लैक स्किन एंड वाइट स्किन पीपल जो व्हाइट स्किन पीपल है और जो ब्लैक स्किन पीपल हैं उन दोनों के राइट्स जो हैं वो अलग अलग होंगे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे ऑप्शंस जो है वो यहां पर करेक्ट है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन तो जो ये नया सिस्टम था इसमें किस चीज को मान्यता दी गई थी कि सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम बिल्कुल एक जैसे होंगे चाहे उनकी स्किन का कलर कोई भी हो क्वेश्चन नंबर इज विच वर्ड इन दी पैसेज मीन सेम एज एजर्ज तो आपको पैसेज में से एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग जो है वो सम जैसा ही आता हो ऑप्शन ए पैस्ड ऑप्शन बी डिकेट ऑप्शन सी ओवरवेम्ड ऑप्शन डी रिकॉग्नाइज सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ओवरवेम्ड ये एक्सटेक्ट में ये वर्ड यूज किया गया है और इसके साथ ही साथ ओवरवे का सिनोनियम जो है वो समर्ज है यानी कि दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही निकलता है मंडेला क्या कह रहे हैं कि ये जो अपारथाइट की नीति थी ये ड्रंग भेद की जो नीति थी इसने मेरी कंट्री के लोगों के अंदर एक बहुत ही गहरा वनि की घाव बनाया है हम सभी के अंदर इतनी गहरी चोट लगी कि इससे उबरने में हमें बहुत सारे साल लग गए लेकिन इसके बाद क्या हुआ एक अच्छी चीज भी हुई इस की पॉलिसी के कारण चीफ यूसुफ दादोस बैम फिशर्स और इसके साथ ही साथ रॉबर्ट सोबुक जैसे लोग जो है वो उनकी कंट्री में हुए हैं ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले लोग थे ज्ञान था उनमें जेनरसिटी थी उनके जैसा फिर कभी वहां कोई जाना नहीं जा सकता फर्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज क्रिएटेड इन दीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पॉलिसी अपार्थाइड तो अपारथाइड की पॉलिसी थी इसने साउथ अफ्रीका के लोगों के अंदर क्या पैदा किया ऑप्शन ए अ हैपी एंड जॉयफुल एनवायरमेंट उनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा खुश और जो इन्जॉयमेंट वाला एनवायरमेंट था वो पैदा कर दिया ऑप्शन बी अग डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर अमीर और गरीब को डिवाइड कर दिया यानी कि उनके बीच में विभाजन कर दिया ऑप्शन सी अ बिग गैप बिटवीन दी पीपी एंड दी गवर्नमेंट लोगों और उनकी गवर्नमेंट के बीच में उन्होंने गैप कर दिया यानी कि डिफरेंसेज पैदा कर दिए ऑप्शन डी अ डीप एंड ऑफ साउथ अफ्रीका डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आप सभी लोगों को पता ही होगा मैं शॉर्ट में बता रही हूँ उन्होंने ब्लैक पीपल पे काफी ज्यादा अत्याचार किए तो इसके कारण जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल थे, उनके दिलों में बहुत गहरा घाव हो गया और काफी ज्यादा लंबा टाइम लग गया कई साल लग गए इस चीज को उनके दिलों से निकलने में नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज अदर इफेक्ट ऑफ द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन किसको कहते हैं अत्याचार जो किए गए उन लोगों पर तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बहुत लंबे टाइम तक यानी डिकेड्स तक जो लोगों पर अत्याचार हुए इनका दूसरा क्या प्रभाव पड़ा ऑप्शन ए इट क्रिएटेड कॉवर्ड पीपल इससे जो लोग हुए वो काफी ज्यादा कायर बन गए ऑप्शन बी इट क्रिएटेड करेजियस इन ग्रेट पीपल इससे जो लोग थे वो काफी ज्यादा साहसी थे और बहुत ही महान लोगों का निर्माण हुआ इस नीति के कारण ऑप्शन सी इट क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ जेलिसी इसने लोगों के अंदर जो जेलिसी की फीलिंग थी उसको पैदा कर दिया ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी करेक्ट है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इट क्रिएटेड करेजियस एंड ग्रेट पीपल तो कई दशकों तक जो ये अत्याचार लोगों के ऊपर होता रहा ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी इसके कारण जो साउथ अफ्रीका के पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस यानी साहसी हुए और ग्रेट पीपल इसके कारण हमने अभी स्टैंडा में पढ़ा है एक्सट्रेट में पढ़ा है कि कितने अच्छे और पावरफुल लोग जो है उनका निर्माण साउथ अफ्रीका में हुआ था क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इस कंट्री अकॉर्डिंग टू द पीपल लोगों के अकॉर्डिंग उनकी कंट्री की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो क्या है ऑप्शन ए इट्स पीपल उस कंट्री के लोग ऑप्शन बी इट्स रिसोर्सेज उस कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं ऑप्शन सी इट्स सॉइल एंड मिनरल्स जो उस कंट्री की सॉयल और मिनरल्स हैं वो वहाँ की सबसे बड़ी वेल्थ है ऑप्शन डी इट्स लीडर एंड सोशल वर्कर्स उस कंट्री के जो लीडर्स हैं और सोशल वर्कर है वो उस कंट्री की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है सो so, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए इट्स पीपल एक कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ जो है वो उसके लोग हैं क्वेश्चन नंबर विच वैसे ऑन द बेसिस ऑफ कलर तो ये जो फ्रेज लिखा गया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर इस पर फिट बैठता हुआ आपको वन वर्ड चूज करना है फ्रॉम पैसेज ऑप्शन ए जनरेशन ऑप्शन बी अपार्थाइड ऑप्शन सी वेल्थ ऑप्शन डी ऑपरेशन बहुत ही इजी है इसका आंसर फाइंड आउट करना पूरा चैप्टर जो है वो इसी पर बेस्ड है तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अपारथाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी बेसिस ऑफ कलर को अगर आप वन वर्ड में डिस्क्राइब करोगे तो आप लिखोगे वहां पे अपारथाइड अपारथाइड की पॉलिसी क्या थी लोगों से उनके रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था एक्सटेक्ट नंबर सिक्स इट वॉज दी ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दै माई बॉय हुड फ्रीडम वॉज इन अल्यूजन वैन आई डिस्कवर्ड एज अंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जब वो बचपन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे कि जो आज़ादी मुझे उस समय मिली थी मेरे लिए वो एक भ्रम थी क्योंकि जब मैं यंग हुआ तब मुझे पता चला कि जो मेरी आज़ादी थी वो तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी तो अब उन्हें हंगर हुई अब उन्हें भूख हुई कि उन्हें उनकी आज़ादी चाहिए एज अ स्टूडेंट वो कह, क्या कहते हैं कि मैं चाहता था रात में बाहर घूमने की फ्रीडम लेकिन क्यों? तो तो जोहान्सबर्ग गया तो मुझे तब पता चला कि जो एक्चुअल फ्रीडम होती है वो क्या होती है यहां पर मैं अपने सम्मान के लिए भी तरस रहा हूं कि मुझे एक सम्मान मिल जाए इतने लोगों के बीच में इसके लिए भी मैं तरस रहा हूं तो अब मुझे एक्चुअल फ्रीडम के बारे में पता चला है क्वेश्चन नंबर वन इज द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ वाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिम सेल्फ स्पीकर जो है वो ये कहते हैं कि एज अ स्टूडेंट मैं सिर्फ अपने लिए ही फ्रीडम चाहता था तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं ऑप्शन ए ही डिडेंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट दी फ्रीडम डिनाइड टू अदर वो दूसरों को दी जाने वाली स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचना चाहता था ऑप्शन बी ही वॉज बींग सेल्फिश इन वॉज ओनली बॉर्डर्ड अबाउट वो सेल्फिश था और वो सिर्फ अपने ही बारे में चिंतित था ऑप्शन सी ही डिडेंट थिंक दैट फ्रीडम डिनाइड टू हिम वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स उसने ये नहीं सोचा था कि उसे जो फ्रीडम मिल रही है वो दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट थी

नि ही फ्रीडम के बारे में सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशंस सम फ्रीडम्स एज ट्रांजिटरी आपको क्या लगता है कि स्पीकर ने कुछ फ्रीडम्स को ट्रांजिटरी यानी कि अस्थाई कहकर क्यों मेंशन किया है ऑप्शन ए द फ्रीडम्स आर मोमेंटरी एंड कीप चेंजिंग विद टाइम्स कुछ फ्रीडम्स जो होती हैं वो केवल थोड़े समय के लिए ही होती हैं और वो टाइम के साथ-साथ बदल जाती हैं ऑप्शन बी द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम इज कॉन्स्टेंट बट प्रस्पेक्टिव डिफर जो डेफिनेशन है फ्रीडम की वो तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहती है हमेशा ही एक जैसी रहती है बट प्रस्पेक्टिव यानी कि जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग हो जाते हैं ऑप्शन सी फ्रीडम मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल फ्रीडम का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है ऑप्शन डी फ्रीडम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आफ्टर अ सर्टेन एज एक एज के बाद फ्रीडम उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विद टाइम तो ऑथर ने कुछ फ्रीडम्स को ट्रांजिट यानी कि अस्थाई इसलिए कहा है क्योंकि फ्रीडम्स जो है वो टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं वो कभी भी सेम नहीं रहती फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा जो है उसके लिए शाम को पार्क में जाना एक फ्रीडम होता है लेकिन एक बड़ा बच्चा जो टेंथ और ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट है क्या पार्क में जाना उसके लिए भी फ्रीडम होगा नहीं तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइम के साथ साथ जो आपकी फ्रीडम्स हैं वो बदल जाती हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इज द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट इज तो इस एक्सट्रैक्ट पे कौन सा टाइटल सबसे ज्यादा सूट करता है ऑप्शन ए फ्रीडम फॉर एवरीथिंग ऑप्शन बी नॉलेज अबाउट फ्रीडम ऑप्शन सी सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम ऑप्शन डी रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम पूरे एक्सट्रैक्ट में ऑथर जो है वो फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं फ्रीडम का महत्व बता रहे हैं तो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू दी वेरी एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आपको एग्जाम्स में इन एक्सट्रेक्ट बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल दिन बाय एंड टेक केयर